नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि पीड़ितों की मदद और पात्रों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने में विलंब नहीं होना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी स्तर पर कोई दिक्कत आ रही है तो उसका पता लगाकर निराकरण कराया जाए, और किसी स्तर पर जानबूझकर प्रकरण को लंबित रखा गया है तो वहाँ जिम्मेदार सुनिश्चित कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को सुनने के दौरान दिए। मंदिर परिसर में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 4 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का वह प्रभावी निस्तारण कराएंगे। इसे लेकर उन्होंने प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को मौके पर ही दो टूक समझाया कि जनता की समस्याओं का समय निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। इलाज के लिए मदद मांगने वाले को दिया आश्वासन। कुछ प्रकरणों पर उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया कि यह भी पता लगाएं कि यदि किसी को प्रशासन का सहयोग नहीं मिला है तो ऐसा क्यों है और किन कारणों से हुआ है। हर पीड़ित को त्वरित मदद की जाए। उन्होंने जमीन कब्जाने की शिकायतों पर विधि सम्मत कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरोवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये यहाँ गोरखपुर का ही है, रामनगर पंद्रह थोड़ा बढ़ है। आप कैसे हैं? कहाँ पे हैं? कुशीनगर का मामला। स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो? क्या इसमें करना है? आवेदन किया आपने? आप बताएं। क्यों नहीं इनसे सुनाई होती? कार्रवाई करें आप। यहाँ गोरखपुर में नहीं दिखाई